हेलो एवरीवन, जैसे कि एमसीक्यू का सेट हम लोग लगातार बनाते आ रहे हैं और उस पर डिस्कस भी कर रहे हैं, तो आज जो स्टेप्स है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आज। और इलेक्ट्रोस्टैट जो आज के पता है आपको कि क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होता है, तो सबके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नीट के बच्चों के लिए है, एज वेल एज जिस तरह से सीबीएसई ने भी एमसीक्यू का पैटर्न डाल दिया है अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है उसको मैं डिस्कस कर देता हूं। तो पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जैसा कि आपने देखा है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर वन कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम के चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फॉर्मूला आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्यू इक्वल टू एल ई। तो n क्या है ये हमें चाहिए, n इक्वल टू वॉट, n इक्वल टू क्या होगा q बाई, ये फॉर्मूला हो गया n इक्वल टू q बाई। तो चार्ज आपको देखना है वन कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज कितना है वन कूलम, वन कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10^-19, ये तो आपको पता ही होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 6.25 इंटू 10^18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन कूलम के चार्ज में होता है, वन कूलम के चार्ज में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा। एमसीक्यू के सेट के दूसरे क्वेश्चन नंबर को अब देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें परमिटिविटी की एसआई यूनिट पूछी गई है, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है ना दो चार्ज के बीच का, वो फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, आपको भी पता है। और के लिए आप फॉर्मूला लगाते हो 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करते हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, कूलम्स का फॉर्मूला है। तो अगर यहां पे देखा जाए k की वैल्यू को अगर समझे हम लोग, k क्या आएगा, तो k इक्वल टू होता है f इंटू आर स्क्वायर बाय क्यू वन क्यू टू, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, अपॉन चार्ज इंटू चार्ज मतलब कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। अब k की जगह पे अगर आप 1/4πε0 लेते हो तो 1/4πε0 कितने के इक्वल हो गया, इसकी यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल आ गया। लेकिन हमें परमिटिविटी चाहिए, तो यहां से अगर देखा जाए परमिटिविटी तो ε0 की जो यूनिट है वो जस्ट इसके रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो आपका जो ऑप्शन है आप उस ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां पे हमारे पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सही आंसर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। तो यहां पे एक चार्ज है क्यू और इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, क्यू और क्यू माइनस क्यू में, तो कैपिटल क्यू माइनस क्यू में, क्योंकि ओवरऑल इस दोनों को ऐड करने पे हमारे पास चार्ज क्यू ही आएगा। तो इस दोनों के बीच कूलम्बिक फोर्स क्या लग रहा है तो वो देखना है। तो सबसे पहले कूलम्बिक फोर्स जो इस दोनों के बीच लग रहा है एफ इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है तो दोनों के बीच का जो फोर्स लगना है वो आर स्क्वायर का लगना है अगर इस दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। तो हमारे से जो पूछा गया है अगर ये कूलम फोर्स ऑफ रिपल्सन इस दोनों के बीच लग रहा है तो उस दोनों के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की वैल्यू की इसकी रेशियो की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। तो देखिए यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों जो आर है, आर जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और हमें देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स क्या हो सकता है। तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स यहां पर मैं लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स
एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन आपको अप्लाई करना है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए होगा, डिफरेंशिएट करना होगा तो चार्ज के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, हमेशा इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप ये जान लो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स के लिए जो फॉर्मूला यहां पे आने वाला है, सबसे पहले आप लिखोगे डीएफ बाय डी क्यू इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन है, ये आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो। आप ये कंडीशन है कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स चाहिए तो आप डीएफ बाय डी क्यू को जीरो करना होगा आपको। तो अगर आप यहां पे ऐसा करते हो तो यहां पे जो वैल्यू डीएफ की आप रखने जा रहे हो तो देखो क्या आएगा, डी बाय डी क्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, और फोर्स की जगह पे अगर मैं लिख दू के क्यू, है ना, के क्यू, और ये कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है, ऐसा मैंने रख दिया, तो ये वाला अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखिए किसी भी डिफरेंशिएशन का ये आर स्क्वायर उधर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, के भी कांस्टेंट है, इसको भी आप हटा दो, आपके पास सिर्फ बचेगा क्या उसकी बात करेंगे। हमारे पास जो बच रहा है वो आपको दिखा रहा हूं कि डी बाय डी क्यू इक्वल टू क्यू, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये डी बाय डी क्यू और क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास बच रहा है, ठीक है। और इसमें आप ये देख सकते हो यहां पे कि ये जो है क्यू क्यू, दैट मीन्स कैपिटल क्यू माइनस टू क्यू, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो कैपिटल क्यू माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो आना है इसकी वैल्यू, और जब ये वैल्यू जीरो आएगी तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट देगा, कैपिटल क्यू बाय क्यू इक्वल टू टू का रिजल्ट आपको देगा। तो इस तरह से ये आपका जो ऑप्शन है यहां पे आप देख पा रहे हो, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो कि इस दोनों की रेशियो को बता रहा है, कैपिटल क्यू बाय क्यू को बता रहा है। अब क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं, इस क्वेश्चन में जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि तीन चार्जेस आपको दिए हुए हैं, आपने देखा भी है फोर क्यू, ये स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू, और दूसरा लास्ट वाला स्मॉल क्यू, इसकी सबकी जो ओरिएंटेशन है कुछ इस तरह की है, फोर क्यू जो है बिल्कुल आप कह सकते हो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल क्यू एल बाय टू के मतलब मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, और क्यू जो है एल पे रखा हुआ है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये चीज सिर्फ क्लियर करना है कि व्हाट शुड बी द क्यू इन ऑर्डर टू मेक द नेट नेट फोर्स जो होगी उस पर जीरो होगी, किस पे, इस पे हमें नेट फोर्स जीरो दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे नेट फोर्स जीरो दिखाने के लिए मैं इसके ये जो जीरो पे रखा हुआ है और ये जो एल पे रखा हुआ है, इस दोनों के फोर्स के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स पहले मैं लेता हूं, तो के फोर क्यू इंटू क्यू बाय एल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस अब हमें जो दिखाना है कि दूसरा फोर्स, मतलब नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए ना, तो दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो देखेंगे, तो वो फोर्स क्या लग रहा है, तो वो देखना है यहां पे हमें, इसके और इसके बीच फोर्स क्या लग रहा है, ये दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो तो है ही, तो अब ये फोर्स लग रहा है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने की है, वो है एल बाय टू की, तो एल बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये नेट फोर्स जीरो। हमें किस पे दिखाना था, हमें आप कह सकते हो कि इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रहा था और इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रहा था, नेट फोर्स यहां पे क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो मैंने इसके कारण जो फोर्स इस पे लग रहा था उसके लिए ये फॉर्मूला ले लिया कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इसके कारण इसमें आपस में जो फोर्स लग रहा था वो फॉर्मूला ले लिया, और नेट फोर्स को मैंने जीरो दिखा दिया। क्या कंडीशन हो सकता है कि नेट फोर्स के लिए जीरो, तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है सिर्फ, तो आगे देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। आप जब सॉल्व करोगे इसको तो मैं कैपिटल क्यू इक्वल टू आपको मिलेगा वैल्यू माइनस क्यू का, कैसे इंस्टेंटली आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं कि मैं
जब आप एक को उधर लेके जाओगे, इक्वल के उधर लेके जाओगे, तो इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस के टर्म में आ जाएगा, राइट। अब माइनस के टर्म में आ गया, कैंसिल क्या क्या होगा वो भी देखो आप, के और के कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहां पे स्मॉल क्यू कैंसिल हो रहा है, एक कैपिटल क्यू रह गया। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं कि कैसे इसको आगे सॉल्व करना है, थोड़ा सा छोटा सा स्टेप और लेंगे। ये हो गया क्यू बाय एल स्क्वायर, ये फोर क्यू बाय एल स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू बाय, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये बाय फोर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, फोर फोर और फोर भी कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर एल स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो हमें कैपिटल क्यू की वैल्यू चाहिए ना, तो कैपिटल क्यू इक्वल टू कितना आ गया माइनस क्यू, यही हमें दिखा रहा था। इस तरह से हम जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि सिंपल सा एक फॉर्मूला लेना है, वो फॉर्मूला क्या है, एफ लिक्विड इक्वल टू एफ एयर बाय के। मतलब ये दो चार्ज है ना, दोनों चार्ज को आप एयर में रख रहे हो तो उस पर क्या फोर्स लग रहा है, और अगर इसी चार्ज को आप लिक्विड में रखोगे तो वहां पे डायलेक्ट्रिक का काम हो रहा है, तो उसके बीच क्या फोर्स लगना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो इस पे अप्लाई हो रहा है। तो आप देखो यहां पे क्या क्या वैल्यू दी हुई है, तो यहां पे आप रख सकते हो इसको, जो वैल्यू है हमारे पास ये सीधा आप एफ एयर के लिए, फोर्स जो लग रहा है एयर में वो तो एफ है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और के की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो टू दी हुई है, तो डायरेक्ट एफ बाय टू एफ लिक्विड, मतलब लिक्विड में जो आपका फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, हाफ लग रहा है। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन है इसका, वो हमारे लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जैसे तीन चार्ज पार्टिकल को लिया गया है और उसको एक कोलिनियर में लिया गया है, उसमें बताया गया है कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या केसेस होते हैं, बहुत बार हमें लगता है कि इक्विलिब्रियम में होगा तो मतलब सेम अमाउंट का चार्ज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तीन या चार के केसेस में भी अलग हो सकते हैं। तो लेकिन यहां पे हमारे पास तीन है और उसको इक्विलिब्रियम में हमें देखना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है, मैं रीड कर रहा हूं फर्स्ट ऑप्शन आपको, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ऑल थ्री चार्ज पार्टिकल हैव द सेम पोलरिटी, तीनों चार्ज पार्टिकल की पोलरिटी सेम होगी। तो ऐसा है कि तीनों की अगर पोलरिटी सेम होगी तो अगर हर तरफ से एक दूसरे को रिपेल करे या किसी तरह से अट्रैक्ट करने का तो कोई केस है नहीं। तो इसमें मेरे ख्याल से यहां पे कम चांसेस बनते हैं कि वो एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में ला पाएगा। आप देखो फिर मैं अगले ऑप्शन पे आता हूं। अगला ऑप्शन जो है, जो इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, हाँ ये एक कंडीशन मुझे लगता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो, क्योंकि तीन पार्टिकल है तो तीन पार्टिकल अगर दो होता तो शायद इक्विलिब्रियम में हम स्टेबल मान सकते थे, लेकिन तीन है यहां पे तो वो अनस्टेबल का केस हो सकता है। ओके आगे बढ़ते हैं, और भी ऑप्शन है। ऑल द चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टी पोलरिटी, अगर जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उसकी सेम पोलरिटी नहीं है, ऑल चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट हैव द सेम पोलरिटी। ओके तो ये इक्विलिब्रियम का केस जिसमें एक लाइन में हो और सेम चार्ज की पोलरिटी ना हो, तो ये भी थोड़ा डाउटफुल है। आप सोचो कि ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में जब आप डिस्कस करोगे तो वहां पे ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा कि इक्विलिब्रियम में ये कैसे आता है और कैसे नहीं आता। तो लेकिन पोलरिटी का मामला जो है, चार्ज पार्टिकल कैन नॉट हैव द सेम पोलरिटी, कैन नॉट हैव द सेम पोलरिटी। अगर पोलरिटी सेम है, जैसा कि पहले को मैंने इग्नोर कर दिया था कि सेम पोलरिटी का है, तो पहले को इग्नोर किया था, वो सेम पोलरिटी का हो सकता है, होगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, लेकिन यहां पे कंडीशंस लगे हुए हैं, हैव द सेम पोलरिटी कैन नॉट हैव द सेम पोलरिटी, एक सेम पोलरिटी की नहीं है तो यहां पे चांसेस बनते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मेरे ख्याल से बी और सी दोनों ऑप्शन, मतलब जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना लास्ट वाला डी, जिसमें बी और सी दोनों सही है, वो सही है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, तो नॉर्मली से ऐसे ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो कूलम्स लॉ पे ही बेस्ड होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको
ऐसा नहीं जल्दबाजी में कोई गलती करनी है. मैं सिंपल सा क्वेश्चन है तो फोर्स एफ इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, तो जो चार्जेस हैं वो चार्जेस आपके पास जैसे कि हम देख रहे हैं दोनों चार्जेस क्यू की वैल्यू ली हुई है. क्यू क्यू बाय डिस्टेंस जो है वो डी है, स्मॉल डी का है, तो डी स्क्वायर बिल्कुल सही है. तो इसको लिखा जाए k q square by d square तो गलत नहीं होगा. और आपको पता है q इक्वल टू होता है एनी, फिर से एनी का यूज कर रहे हैं. तो फोर्स जो लगना है इसके बीच k n square e square अपॉन d square है ना. और k की वैल्यू तो हमें भी पता है, k की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 n square e square by d square, ये वैल्यू होती है के की. तो आई और हमें क्या चाहिए मैं बता दूं आपको, यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस, तो एन चाहिए. मतलब तो एन स्क्वायर इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आएगी यहां पे ये आएगी 4πε0 डी स्क्वायर एफ अपॉन ई स्क्वायर. और जब आप एन को हटाओगे स्क्वायर को हटाओगे रूट में आ जाएगा. रूट में आने का मतलब है कि रूट में जब ये आ गया तो डी बाहर हो जाएगा है ना. लेकिन हमें यहां पे अब देखना है कि ऑप्शन मेरे लिए कौन फेवरेबल है. तो जैसे कि ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं रूट वाला ऑप्शन, यहां पे रूट भी है हमारे पास, तो 4πε0 ऊपर में है बिल्कुल सही है ऊपर में है, और एफ डी स्क्वायर भी है ऊपर में, तो एफ डी स्क्वायर भी है और ई स्क्वायर, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है मुझे सही लग रहा है और ऑप्शन सी ही एक राइट आंसर है. तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है और इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना भी होगा अगर अच्छे से करना है. तो मैंने पहले से ही ड्रॉ कर दिया आपके लिए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको बताया गया है कि सेमी सर्कुलर आर्क है और इसकी जो रेडियस है वो ए रेडियस है ठीक है. और जैसा कि आप देख रहे हो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यहाँ पे चार्ज मैंने यूनिफॉर्मली दिखा दिया है और एक सिमेट्रिक सिस्टम है, ये सिमेट्रिक है. तो सिमेट्रिक है कहने का मतलब जितने पोर्शन ऊपर है हाफ पोर्शन नीचे दोनों ही तरफ इक्वली डिवाइडेड है. तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मान लो कि एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन में यहां पे डीएल कंसीडर कर लिया मैंने ठीक है. तो इस सिमेट्रिक के हाफ अपर पोर्शन का जो डीएल है वो क्या बना रहा है एंगल यहां पे डी थीटा बना रहा है पॉइंट ओ पे. उसी तरह से नीचे वाले का भी जो सिमेट्रिक है मैंने पहले ही बताया है, तो नीचे वाला भी जो डी थीटा है ये भी क्या बना रहा है यहां पे एलिमेंट्री पोर्शन डीएल के साथ, एलिमेंट्री जो लेंथ है वो डीएल के साथ एंगल बना रहा है डी थीटा का. और जब मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं तो यहां पे मुझे देखने को क्या मिलता है कि इस पे जो है यहां पे जैसे आप देख रहे हो तो यहां पे जो एंगल बन रही है यहां पे भी थीटा बननी है यहां पे भी थीटा बनना है. तो इसका कंपोनेंट डीई का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अराउंड द डायरेक्शन ऑफ पीओ. तो मैं यहां पे बता दूं कि डायरेक्शन जो पीओ के डायरेक्शन में अलोंग डायरेक्शन ऑफ पीओ, पीओ के डायरेक्शन में जो डीई का कंपोनेंट है वो बनाएगा डीई कॉस थीटा राइट. तो इसके लिए डीई कॉस थीटा इधर बनेगा डीई कॉस थीटा. उसी तरह से इसका वाला जो पोर्शन है इसका भी इसी तरफ डीई कॉस थीटा ही बनना है. बाकी जो इसका कंपोनेंट है जो यहां पे बनेगा वो बनेगा डीई साइन थीटा का, और इस तरफ भी जो इसका कंपोनेंट बनना है वो बना है डी साइन थीटा का. तो ये जो कंपोनेंट है डी साइन थीटा ये पीओ को जब मैं देखता हूं तो पीओ के परपेंडिकुलर है, तो डी साइन थीटा इसलिए ये एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है क्योंकि इसमें हाफ पोर्शन में जितने चार्जेस हैं जितने उतने ही अपर हाफ पोर्शन में भी सेम चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होने के कारण डी साइन थीटा तो ऐसे भी कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. तो ये इसका काम नहीं है, मेरे को मुझे काम किसका है डी कॉस थीटा का. तो आइए डी कॉस थीटा के बारे में बात कर लेते हैं. तो डीई इक्वल टू जैसा कि यहां पे हमें देखना है कि अब जो रिजल्टेंट आपका लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सिर्फ पीओ के डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इधर से इधर की तरफ लग रहा है और इसी की बात हमें करनी है. तो डी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/4πε0 है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो के
और ये छोटा सा चार्ज जो इस पे आपको चार्ज देखने को मिल रहा है, तो डी क्यू के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस आपके पास क्या है, तो डिस्टेंस इसका रेडियस कितना होता है, तो ए रेडियस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। और मैंने बताया आपको कंपोनेंट क्या है, कॉस थीटा का है। अभी एक छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन की बात कर रहे हैं, जब पूरा का करना होगा तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आइए अभी डी क्यू, और इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे कॉस थीटा। होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट्री पोर्शन का ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए मैंने अभी पूरा ई नहीं लिखा है, डी में से मेंशन किया है यहां पे। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब हमें यह भी पता है डी क्यू इक्वल टू कितना होगा, डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डी एल, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा भी होगा। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाय डी एल। तो इसी फॉर्मूले को यहां पे हमने यूज किया, तो डी क्यू की जगह पे आप लिख सकते हो डीई इक्वल टू डी क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह पे आप लिख लो लैम्डा डी एल, ओके, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आपको हमें देखना है यहां पे कि डीएल क्या है। देखिए थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है एल बाय आर, मतलब आर अपॉन रेडियस। तो यहां पे हमारे लिए क्या है, डीएल है, तो एल की जगह पे आप डीएल ले लो, राइट, तो एल की जगह पे मैंने डीएल ले लिया, और थीटा की जगह पे आप डी थीटा ले लो, तो इधर मैं डी थीटा ले लेता हूं। तो अब हमें डीएल को क्या लिखना पड़ेगा, और ये जो है ये आर जो है हमारा रेडियस जो है वो ए के इक्वल है, तो डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी थीटा। तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू को हम रख सकते हैं यहां पे, तो ये देखेंगे ये क्या आ रहा है, डीई इक्वल टू लैम्डा और ए डी थीटा, डीएल की जगह पे ए डी थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये ओवरऑल अभी तक हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो अब जब है यहां पे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये देखनी है यहां पे, है ना, एट द सेंटर ओ पे, इस सेंटर ओ पे हमारे से पूछा गया है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी अगर एलिमेंट्री पोर्शन डीएल लेते इसके कारण भी कुछ होती, यहां पे होती, तो सबके कारण इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए, तो अगर ये पोर्शन मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि ये पोर्शन इधर की तरफ जाया जाए तो पाई बाय टू माइनस में, और ऊपर जाए तो पाई बाय टू प्लस में। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए तो हमें एक लिमिट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक का, राइट। तो आइए देखते हैं हम लोग कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ओ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी, जो कि ई आना है, नेचुरल सी बात है, बाकी यहां पे हम लोग देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन आपको कहां से कहां तक करना है मैंने बता दिया है, यहां पे आप माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक का ले लो आप, और इसी का इंटीग्रेशन डी का करना है आपको। अब लिमिट हमने यहां पे दे दिया, और यहां पे जो वैल्यू है, चलिए देखते हैं, यह तो एक पूरे पार्ट में कर ले, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ जो वैल्यू है वो मैं पहले लिख देता हूं, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ए डी थीटा। तो अब यहां पे एक ए कैंसिल भी हो रहा है, यहां पे देख सकते हैं हम, तो ए डी थीटा नहीं लिखे, लैम्डा डी थीटा अपॉन में ए, ठीक है, और कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा ये भी मैंने ले लिया। और अब मैं पहले इंटीग्रेट करूंगा जीरो से पाई बाय टू तक के लिए, पहले मैं ऐसा कर देता हूं जीरो से पाई बाय टू तक के लिए। तो देखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास वन बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये साइन थीटा कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन आ रहा है
साइन थीटा जीरो से पाई बाय टू के लिए, क्योंकि मैंने इसको कर दिया हाफ, ठीक है। ये जो है ये जीरो से पाई बाय टू के लिए, और यहां पे कुछ और भी रह रहा है, तो ये लेमडा बाय ए भी हमारे पास यहां पे है, ये लेमडा बाय ए, ये लेमडा है यहां पे, ये वाली वैल्यू। उसके बाद जब आप करोगे तो ये आ जाएगा वन बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, आपको मैं बता दूं यहां पे जो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को टू पाई एप्सिलॉन नॉट करने के पीछे रीजन है, क्योंकि यहां पे मैंने इसको जीरो से सीधा पाई बाय टू के लिए ले लिया है, ध्यान रखेंगे जीरो से सीधा पाई बाय टू के लिए ले लिया है, इसलिए मैंने यहां पे वन बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट कंसिडर किया है। तो वन बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय ए, और साइन 90 की वैल्यू होती है वन, तो ये हो जाएगा इंटू वन, जो कि फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा। देखो लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट ए का, तो ये लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए का ये फाइनल आंसर आएगा। अब मैं आपको यहां पे एक बात और याद दिला देना चाहूंगा, जब मैंने इसको प्रूव कर दिया है तो आपको इसकी जो, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिलेंड्रिकल एक यूनिफॉर्म चार्ज लेंथ ऑफ वायर के लिए आप निकालते थे, तो सेम फॉर्मूला आता था, अगर आपको याद होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको याद आ जाए कि भाई एक पॉजिटिवली चार्ज इस तरह का वायर होता था, और इस तरह से आप इस पे गॉसियन सरफेस बनाते थे, और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, तो E इक्वल टू, अगर आपको याद हो, तो लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पे रेडियस मैंने R लिया था, यहां पे रेडियस A है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको याद रखना हो तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और इसमें जैसा कि पूछा गया है कि ये क्यूब है ना, क्यूब पे ये मैंने क्यूब बना दिया, और क्यूब के पे जो चार्ज आपने दे रखा है वो चार्ज प्लस क्यू का चार्ज दे रखा है ना, उसके मिड पॉइंट पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, तो बिल्कुल जहां से भी होगा, एक हर तरफ से, हर कॉर्नर से, तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। तो पूछा गया है कि फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स का गॉस लॉ के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का होता है। तो किसी भी चीज के लिए, कोई भी इनक्लोज बॉडी के लिए, चाहे वो स्फेरिकल बॉडी हो, उसके लिए भी यही होगा, या क्यूब हो तो उसके लिए भी वही होता है। एक चीज मैं यहां पे और आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये सवाल मेरे से पूछा जाता है किसी भी एक फेस के लिए, मान लो ये एक फेस के लिए पूछा जाता है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखो क्यूब में कितना फेस होता है, क्यूब में सिक्स फेसेस होता है, तो सिक्स फेसेस के लिए ये क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस के लिए कितना होगा, तो वन बाय सिक्स इंटू क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, अगर ऐसा होता तो ये इस हिसाब से जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो, जो ऑप्शन है वो पहला नहीं है, दूसरा है, जी हाँ, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले यह देखना होगा कि जैसे कि मैं जान रहा हूं कि इस बार चार्ज मैंने कहां पे लिया है, कॉर्नर पे लिया है, ठीक है, कॉर्नर पे चार्ज लिया है, तो ये किस किस कॉर्नर को, कॉर्नर से रिलेट है, क्योंकि देखिए एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यहां पे ये है कि जिस कॉर्नर को ये रिलेट करेगा वहां से फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो एक इस वाले सर्फेस के कॉर्नर से रिलेट कर रहा है इधर वाला, इधर से फ्लक्स जीरो होना है, एक इधर वाले इस वाले पोर्शन को जो बाहर की तरफ है उसको ले रहा है, उसका फ्लक्स जीरो होना है, और इससे फ्लक्स जीरो होना है। तो तीन जो सरफेस है, एक इसका जो कि बाहर वाला है, अगर इसका मैं नेमिंग भी कर दूं ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी से जो फ्लक्स निकल रहा है वो जीरो, और इस वाले से जो साइड वाले से फ्लक्स निकल रहा है वो जीरो, और ऊपर वाले जो फ्लक्स निकल रहा है वो जीरो। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात होगी, आपका सबका ध्यान यहां पे होगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। अभी हमें क्या करना है, ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को हमें हर तरह से कवर करना है, हर तरफ से कवर करना है, कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्ज है इसके इस फेस की तरफ मैं इसी तरह का एक क्यूब मैं रखूंगा, तो इस तरफ मैंने एक क्यूब बॉक्स रख दिया, ठीक है, और उसी तरह से ऊपर भी, इस तरफ भी आपके साइड में भी एक क्यूब बॉक्स होगा, और
इस तरह भी एक क्यूब बॉक्स होगा, ठीक है। तो टोटल जो क्यूब बॉक्स होंगे वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख भी पाओगे। तो इसको अल्टीमेटली मुझे कवर कैसे करना है, तो एक क्यूब बॉक्स इधर, एक क्यूब बॉक्स इधर, एक क्यूब बॉक्स इधर और एक क्यूब बॉक्स इसके साथ में यहां पे। तो टोटल क्यूब बॉक्स यहां पे लगेंगे आपके चार, इधर इधर, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो टोटल चार लगेंगे। और ऊपर से उसी तरह से इस पे चार और क्यूब बॉक्स लगेंगे, तो टोटल हो जाएंगे क्यूब बॉक्स आठ। क्योंकि ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो ये तब जाके आठ क्यूब बॉक्स के सेंटर में आएगा। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि ये जो चार्ज दिया हुआ है ना इसको आप सेंटर में लाओ। तो ये जब सेंटर में आ गया तो आपने आठ क्यूब बॉक्स लिया इसको सेंटर में लाने के लिए, लेकिन हमें सिर्फ एक क्यूब बॉक्स पर फोकस करना है अपना। तो एक क्यूब बॉक्स जो हमारा है वो एक क्यूब बॉक्स से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यूब बॉक्स कितना रिलेट किया आपने, आठ, लेकिन एक क्यूब बॉक्स जो सिर्फ हमारा क्यूब बॉक्स है वो ये वाला है, उससे फ्लक्स कितना निकलेगा, तो 1/8 क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट का निकलेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या कि अब जो है हमारे पास तीन फेज जो है जिससे फ्लक्स जीरो होता है, तो बचा हुआ कितना फेज हो गया, तीन और फेज रह गया, तो उस तीन फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो 1/3, तो टोटल हो गया 1/24 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स निकलेगा। टोटल फ्लक्स ये होगा। और मैं आपको बता दूं अगर आप फ्लक्स से रिलेटेड और भी चीजें इससे जानना चाहते हैं तो हमारी अपकमिंग वीडियो को जरूर देखना, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा। थैंक यू।